आज हम लोग MS Word में इंसर्ट टैब में पिक्चर सीखेंगे, यानी कि इलस्ट्रेशन ग्रुप में रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हमें कहाँ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका MS Word का विंडो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। होम हम लोगों ने पढ़ चुका है, इंसर्ट में पेजेस ग्रुप भी हम लोगों ने पढ़ा, टेबल ग्रुप भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग इलस्ट्रेशंस ग्रुप सीखेंगे, जिसमें पिक्चर क्लिप आर्ट सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में शेप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पिक्चर पे क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी पिक्चर आप ले लीजिएगा। तो यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेती हूँ और इंसर्ट करेंगे। जब आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो आपके पेज पे कुछ इस तरह से पिक्चर आएगा। पिक्चर के साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पे एक टैब भी ओपन हुआ है, जिसका नाम क्या है, फॉर्मेट। एक बात मैं और आपको बता दूँ कि अगर आप बाहर क्लिक करोगे तब जो ये फॉर्मेट टैब रहेगा, ये फॉर्मेट टैब आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप पिक्चर पर क्लिक करोगे तब ये फॉर्मेट टैब आपका ओपन होगा। तो चलिए पहले फ़िलहाल मैं पिक्चर को छोटा कर लेती हूँ। ये काफ़ी बड़ा है पिक्चर, ये पिक्चर हमारा छोटा हो गया। तो हम यहाँ से फॉर्मेट में जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से ब्राइटनेस मिलेगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ब्राइटनेस है, ये नॉर्मल है। देखिए यहाँ से हम जैसे जैसे करेंगे हमारा ब्राइटनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, माइनस की ओर करेंगे, तो ये हमारा ब्राइटनेस क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्स्ट। कॉन्ट्रैक्स्ट में अगर हम प्लस करेंगे तो देखिए ब्लैक एंड वाइट में हल्का सा ये बढ़ेगा, और अगर हम माइनस करेंगे तो ये माइनस में क्या होगा, हमारा कम होगा। नेक्स्ट आते हैं रीकलर। अगर हम अपने पिक्चर को दूसरा कलर देना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आप यहाँ से दूसरा कलर दे सकते हो। देखिए आपको जो कलर यहाँ चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर ये होता है प्रिंट से रिलेटेड, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये चेंज पिक्चर है। चेंज पिक्चर यानी कि ये जो अभी पिक्चर है हमारा, इस पिक्चर को हम चेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे पिक्चर में, तो हम लोग चेंज पिक्चर में जाएंगे। यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, हमारा पिक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये रीसेट पिक्चर है। जब आप रीसेट करोगे तो पिक्चर स्टार्टिंग में जितना बड़ा खुलता है ये उतना बड़ा हो जाएगा। आप कॉर्नर पे यहाँ पे ले जाओगे, एक बटन आएगा, यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पिक्चर स्टाइल। यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टाइल मिलेगा, आप जैसा स्टाइल लीजिएगा पिक्चर को आप वैसा स्टाइल दे सकते हैं। अगर हम लोग बोले तो इसको आप फ्रेम भी दे सकते हैं, आप अलग अलग फ्रेम दे सकते हो। पिक्चर शेप है, अगर हम किसी दूसरे शेप में अपने पिक्चर को रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम शेप को क्लिक करेंगे और हमारा पिक्चर क्या हो जाएगा, उस शेप में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ से पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर का बॉर्डर अगर हम कलर करना चाहते हैं तो पिक्चर का बॉर्डर हमारा क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। जिस भी कलर से आप करना चाहते हो उस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर का बॉर्डर हमारा कलर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ये मोर आउटलाइन कलर से, अगर आपको और कलर चाहिए, जैसे पिंक में हमें बहुत हल्का वाला पिंक चाहिए या डार्क पिंक चाहिए, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, इसके वेट को घटाना बढ़ाना है तो पिक्चर के वेट को हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से आउटलाइन हमारा पतला और मोटा हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं डैशेस। अगर इसको हमें डैशेस के रूप में रखना है तो हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। हम लोग पिक्चर बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे वेट पे जाएंगे। हम लोगों ने वेट देखा कि यहाँ से हम लोग वेट को घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डैशेस में। आप इसको डैशेस में चेंज कर सकते हो कि आपको पिक्चर का बॉर्डर कैसा रखना है, तो आप यहाँ इसे डैशेस में भी ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पिक्चर इफेक्ट। आपको पिक्चर में कैसा इफेक्ट रखना, अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो देखिए हमारा पिक्चर का इफेक्ट यहाँ पे चेंज होगा, हल्का सा चेंजेस आपको नजर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि पिक्चर में इफेक्ट क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट शैडो आता है। तो शैडो का मतलब क्या होता है, छाया होता है ना। तो आउटर करेंगे तो बस हल्का सा चेंजेस नजर आएगा, यहाँ पे देखिएगा तो हल्का सा चेंजेस आएगा। आउटर करेंगे तो ऊपर की ओर शैडो आएगा, इनर करेंगे तो अंदर की ओर शैडो आएगा। आपको पता चल रहा होगा कि आउटर ऊपर की ओर आता है और इनर क्या होता है, अंदर की ओर आता है। नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपका वापस की ओर आएगा कि आपको कैसा रिफ्लेक्शन करना है, तो यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन क्या आएगा, वापस की ओर आएगा। ग्लो आते हैं। ग्लो करेंगे तो हमारे पेज, हमारा जो पिक्चर है उसके चारों ओर इस तरह से क्या हो जाएगा, हल्का रेडनेस आ जाता है, ग्लो आ जाता है, जैसे फेस पे आ जाता है जब लड़कियाँ मेकअप करती हैं तो। नेक्स्ट आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सॉफ्ट इड्स, यहाँ से क्या आएगा, इसका पॉइंट हम लोग कम कर सकते हैं। देखिए ये हल्का सा ना ब्लर होते जाएगा, जब इस पर क्लिक करते जाएंगे ये हमारा पॉइंट ब्लर होते जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेबल। बेबल भी स्टाइल आता है, यहाँ से आपको कैसा इफेक्ट लगाना है आप इफेक्ट को चेंज कर सकते हो। हल्का सा ये इफेक्ट चेंज होगा, आप इस पर क्लिक करोगे, आपको अगर पता चल रहा है तो देख लीजिए यहाँ पर बहुत
इजी इफेक्ट हमारा ये लगाना। नेक्स्ट आते हैं 3D रोटेशन। आप यहाँ से पिक्चर को रोटेट कर सकते हो कि आप किस तरह से पिक्चर को रोटेट करना चाहते हो। पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, जिस तरह से आपको रोटेट करना है आप पिक्चर को यहाँ पे रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं ये पोजीशन है। देखिए पोजीशन का मतलब क्या होता है, सपोज इस पिक्चर को उठा करके अभी हम दूसरे जगह रखना चाहते हैं तो आप इसे कितना भी ड्रैग करोगे माउस के लेफ्ट बटन से तो ये उधर उधर नहीं जाएगा। तो पिक्चर में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें हमें पोजीशन चेंज करना होता है। तो पोजीशन पे जाएंगे, आप कोई भी पोजीशन ले लीजिए। जब आप पोजीशन चेंज करोगे तो आप पिक्चर को उठा के जहाँ रखना चाहते हो इसे ईजिली आप रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमारा ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक करने के लिए हमें एक ऑप्शन एक पिक्चर की और ज़रूरत होगी। तो हम लोग यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं और पिक्चर लेने के बाद यहाँ से हम लोग इसका भी पोजीशन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। हमने पोजीशन चेंज कर लिया, अब पहले जो मेरा पिक्चर था वो पीछे चला गया और बाद में जो पिक्चर आया वो आगे आ गया। हम चाहते हैं कि मेरा आगे वाला पिक्चर पीछे चला जाए और पीछे वाला पिक्चर आगे आ जाए, तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, सेंड टू बैक। यहाँ से देखिए मेरा आगे वाला पिक्चर पीछे चला गया, अगर हमें आगे लाना है तो हम यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे आगे आ जाएगा। तो सेंड टू बैक से हम पीछे भेज सकते हैं और ब्रिंग टू फ्रंट से हम आगे ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट रैपिंग। तो देखिए टेक्स्ट रैपिंग क्या कहता है, सपोज हम लोग यहाँ पे रैंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल RAND, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से ब्रैकेट ऑन ऑफ एंड इंटर, ये रैंड वाला आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो अभी जो चलिए इस पिक्चर को मैं पहले थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, ये पिक्चर आया हमारा। फॉर्मेट पे आते हैं, टेक्स्ट रैपिंग पे जाते हैं। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा पिक्चर स्क्वायर के रूप में बीच में रहता है और जो टेक्स्ट रहता है वो हमारा चारों साइड से आ जाता है। अगर हम यहाँ से टाइट करेंगे तो पिक्चर कुछ हमारा इस तरह से टेक्स्ट के बीच में आता है, अगर हम यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो पिक्चर हमारा टेक्स्ट के पीछे चला जाता है, अगर हम यहाँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो पिक्चर हमारा टेक्स्ट के आगे आ जाता है, अगर हम टॉप एंड बॉटम करेंगे तो पिक्चर हमारा बीच में आ जाता है, टेक्स्ट ऊपर चला जाता है और कुछ टेक्स्ट हमारा नीचे आता है। यहाँ से थ्रू करेंगे तो थ्रू करने के बाद पिक्चर अगेन हमारा इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ से एडिट रैप पॉइंट करेंगे तो जैसे मेरा ये पिक्चर है बट हम चाहते हैं कि मेरा इतना दूर तक कुछ भी टेक्स्ट ना हो, तो आप यहाँ से इसके स्टाइल को इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि इतना दूर ना लिखा है, तो देखिए इस तरह से हमारा पिक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ से, ये हमारा अलाइनमेंट है। आप लेफ्ट करोगे तो अलाइनमेंट चेंज होगा, आपको पिक्चर को लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, टॉप करना है, मिडिल करना है, आप एक एक करके देख लीजिएगा। ये पिक्चर हमारा कहाँ चला गया, मिडिल में चला गया। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप। तो देखिए यहाँ से ग्रुप हमारा अभी हाईलाइट नहीं है तो क्या होगा, पहले इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग एक और पिक्चर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, इसके पोजीशन को हमें चेंज कर लेना है, उसके बाद पिक्चर को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद हम देखिए क्या हो रहा है ना कि अभी हमारा पिक्चर अलग अलग ये हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये पिक्चर भी मूव हो हमारा और ये पिक्चर भी मूव हो, तो क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, दूसरा हम कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा ग्रुप हो गया है। अब यहाँ से पिक्चर को मूव करेंगे तो ये पिक्चर मेरा अलग जा रहा है, यहाँ से पिक्चर मतलब दोनों पिक्चर मेरा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अगर हम इस पिक्चर को मूव करेंगे तो ये पिक्चर भी मूव होगा और अगर इस पिक्चर को मूव करेंगे तो ये पिक्चर भी हमारा मूव होगा। नेक्स्ट इसको अगर अनग्रुप करना है तो हम बाहर क्लिक करेंगे और इस पर फिर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ये रोटेशन है, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो पिक्चर को कि 90 डिग्री में घुमाना है, लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजेंटल, आप यहाँ से घुमा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं ये क्रॉप है, पिक्चर को क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या हुआ, जो अनवांटेड एरिया है अगर वो मुझे नहीं चाहिए तो उसको हम क्रॉप करके क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर इधर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये क्लिक हो गया हमारा। अब देखिए कि पिक्चर क्रॉप हो गया हमारा। अब पिक्चर के साइज को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं यानी कि अगर इसके हाइट और विड्थ को हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके हाइट को बढ़ाएंगे और यहाँ पर इसके विड्थ को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पिक्चर का फॉर्मेट टैब ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लिप आर्ट और शेप, दोनों एक साथ सीख लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।